हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों के मौसम में स्किन का ड्राई होना, स्किन का डल होना दिखना तो आम बात है, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल फेस पैक फॉर विंटर। सो इस पैक को बनाने के लिए वीडियो पर अंत तक जुड़े रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलोवेरा जेल। जेल को हम अपने हिसाब से निकालेंगे, हमें जितना चाहिए। एलोवेरा की जो सबसे खास बात यह है कि ये हर एक स्किन टाइप को सूट करता है और इसे कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्किन को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखने के लिए। इसके बाद हम लेंगे बेसन, 1.5 स्पून बेसन। इसके बाद मैं यहां ऐड करने जा रही हूं 1/2 टेबल स्पून हल्दी। इस मिक्सचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है शहद। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूं शहद। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसे थिन या थिक अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहां थोड़ा सा और बेसन ऐड कर रही हूं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हमारे पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे फेस पर अप्लाई करूंगी। एलोवेरा जेल रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, इसलिए विंटर में इसका बहुत ही खास रोल होता है लगाने के लिए। जो मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, बेसन सर्दियों में बेसन का इस्तेमाल स्किन पर करने से जो स्किन की ड्राइनेस दूर होती है, पिंपल्स की समस्या तो दूर करता है, डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है, टैन स्किन को ठीक करके ये स्किन की ड्राइनेस भी कंट्रोल करता है, इसलिए मैंने इस पेस्ट में बेसन भी ऐड किया है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जिससे चेहरे पर होने वाले मुहासों की समस्या भी दूर हो जाती है, इसलिए थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो हल्दी मैंने ऐड की है। और हनी ये स्किन को हील करता है और स्किन पर दाग धब्बों को ठीक भी करता है, साथ में पोर क्लींजर का काम भी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो पोर्स की गंदगी को दूर करके स्किन में ब्लैक हेड्स को हटाने में मदद करता है, इसीलिए मैंने कहा था कि हनी का इसमें बहुत ही अहम रोल है इस पेस्ट में। पेस्ट का अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसे 20 मिनट सूखने दूंगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से स्किन पर लग जाए। और एक बात ध्यान रखिए कि इस पेस्ट को फेस पर लगाने से पहले अच्छे से फेस को क्लीन करें, उसके बाद ही ये पेस्ट अप्लाई करें। अब ये 20 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये सूख चुका है। अब हम फेस वॉश करेंगे और ये रहा फाइनल लुक। आप देख सकते हैं स्किन ग्लो कर रही है। और आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस पेस्ट को हफ्ते में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।